हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में दोस्तों लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी है लैंग्वेज प्रॉब्लम, गलती से दोस्तों आपके फ़ोन की लैंग्वेज चेंज हो गई आपसे, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की लैंग्वेज आ रही है और आपको उस लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, दोस्तों अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे और आप अपने फ़ोन में लैंग्वेज को डिफ़ॉल्ट कैसे करो, मतलब अपनी इंग्लिश या डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप कैसे सेट करोगे अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। और अगर आपको भी नहीं पता, अगर आपसे लैंग्वेज गलती से चेंज हो गई है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ उस नई वीडियो में आप इसको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अभी आप यहाँ देख सकते हो लैंग्वेज को डिफरेंट टाइप की आ रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले बस आपको अपने ओके वाले बटन पे दोस्तों अपने मेन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपके फ़ोन में इस तरीके का इंटरफेस दिखता है आपके फ़ोन में। तो दोस्तों आपको अपने सेटिंग वाले आइकन पे आ जाना है। ठीक है, सेटिंग वाले आइकन पे आने के बाद दोस्तों आपको एक बार अपने ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आ देखो तो आपके फ़ोन में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखते हैं आपके सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में। तो दोस्तों लैंग्वेज सेटिंग को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे राइट साइड में ये आइकन देख सकते हो, इसके इसमें फ़ोन का आइकन आ रहा है और इसमें यहाँ पे पीसी का आइकन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर का आइकन देख रहा है, कैलेंडर टाइप का, मतलब डेट एंड टाइम के लिए आइकन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों जो आपको आइकन दिखता है ये फ़ोन वाला, ये वाला आइकन आपके सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में डेट एंड टाइम के बाद आपको दोस्तों इसी वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेना है। आप लैंग्वेज को रहने दो, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आप ऐसे करो, आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला आइकन आपको दिख रहा है, आपको इसको ओके कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मुझे खुद नहीं पता लगा इसमें लैंग्वेज कहाँ पे है, तो आपको भी नहीं दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग कहाँ पर है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपके फ़ोन में जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो दोस्तों आपको अपने यहाँ पर कौन से नंबर पर क्लिक करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपके जो फ़ोन की ये प्रॉब्लम है लैंग्वेज, ये सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए जो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वन वाला, आपको इसी पे आना है, और इस पे आने का आपको जो वन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पे आना है फिर से। ठीक है, ओके कर दोस्तों, यहाँ पर आपको लैंग्वेज शो हो जाएगी आपकी फ़ोन की लैंग्वेज इंग्लिश, इस पे क्लिक करके ओके कर देना, आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अपने फ़ोन में वापस से दोस्तों अपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आप अपने सैमसंग कीपैड वाले मोबाइल में। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप, पहले सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, आपको ये वाला आइकन याद रखना है फ़ोन का। ठीक है, इस पर आने के बाद जो पहला ऑप्शन आपको लैंग्वेज का दिखता है, फिर से लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर दोस्तों इस अगर आप इन लैंग्वेज को चेंज कर लोगे तो यहाँ पर आके आप डिफ़ॉल्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जान से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।